हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स। मैं हूं जुबैर एहसानी और ऑनलाइन वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CDS OTA में पूछे गए कुछ प्रीवियस सेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंजू, मिष्टी गोस्वामी, जहिंद, सभी का स्वागत है। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिस्टर सुलझर आ चुके हैं, जहिंद, तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जल्दी से बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा ये क्वेश्चन कि मिनीमाटा नामक रोग, ये जो मिनीमाटा डिजीज था जो जापान में हुआ था और जापान के बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था, ये डिजीज ये किसकी वजह से हुआ था, ये मिनीमाटा नामक रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ था, वो किसकी पॉल्यूशन की वजह से हुआ था उत्पन्न। तो जल्दी से आप लोग उत्तर करें। मिहिर, गुड आफ्टरनून। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर जल्दी से दें। द मिनीमाटा डिजीज ऑफ जापान वॉज कॉज थ्रू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाई कौन? मिथाइल मरकरी। तो मरकरी की पॉइजनिंग के कारण ये मिनीमाटा डिजीज हुआ था जापान में। तो मिथाइल मरकरी, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से आप जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी नामक बीमारी हुई थी। तो मिहिर का उत्तर आ गया फर्स्ट का बी, नहीं लेड नहीं होगा। मिष्टी का भी लेड आया था, लेड नहीं होगा, क्या होगा? मरकरी। नौ, आगे बढ़ते हैं। इन मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइस, सेफ्रॉन मतलब आपने सुना होगा कि एक मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, केसर या जाफरान भी कहते हैं हिंदी में इसको, केसर या जाफरान का नाम आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन है, इन मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड, है ना? तो सेफ्रॉन का, केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, केसर का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। सेफ्रन का वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका प्रयोग में लाया जाता है, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका। और यही क्वेश्चन रहता कि जो लॉन्ग होता है क्लोव, लॉन्ग का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाता फ्लावर बर्ड्स, पुष्प कलिकाएं, क्या होता है? पुष्प कलिकाएं। तो जब लौंग के पौधों में फूल आता है तो फूल को खिलने नहीं दिया जाता, उसे कली की अवस्था में तोड़कर सुखा लेते हैं और कहते हैं कि ये मतलब लौंग है। तो कितने लोगों का सही उत्तर था जल्दी से कमेंट करके बताइए। कृष्णा ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल। मिहिर राज का उत्तर बिल्कुल सही था। मिष्टी, इस बार आपने सही उत्तर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नरेंद्र शर्मा, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? सौरभ राज ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स कैन बेनिफिट अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह जिसको बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस जो बीमारी है, मधुमेह इसको कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग हिज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से जो किसका सीड है वो उपयोग में लाया जाता है, जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका जो सीड है वो ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने में यूज किया जाता है? कोरिएंडर सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड एंड फेनोग्रीक सीड, जिसको हम मेथी कहते हैं, इसको मेथी बोलते हैं, मेथी। तो सही उत्तर आपका होगा मेथी के जो सीड्स हैं वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यूमिन सीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ब्लड शुगर को लोअर करने में ये जो मेथी का सीड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो डी जो था वो सही उत्तर था, है ना? आगे बढ़ते हैं। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आईज इज, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु साउंड वेव को आंख के तौर पे इस्तेमाल करता है, जल्दी बताएं। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आईज इज, डॉग, बैट, स्नेक एंड कैट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका बैट, चमगादड़, क्या होगा? चमगादड़।
चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है, चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इको लोकेशन, इको लोकेशन, है ना, इको लोकेशन, ऐसे लिखेंगे इको लोकेशन। तो अल्ट्रासाउंड भेजता है, किसी ऑब्स्टिकल से टकरा कर वो अल्ट्रासाउंड आता है और फिर वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमसे कितनी दूर पे कोई ऑब्स्टिकल है या कितनी दूर पे कोई शिकार उड़ रहा है। तो सही जो उत्तर होगा वो चमगादड़ होगा। तो चमगादड़ साउंड वेव्स को आंखों के जैसा इस्तेमाल करता है, वो रात में उड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो गलत सलत जो भी हो रहा है वो उत्तर कीजिए, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, गलत हो जाता है तो उससे घबराना नहीं है, कह रहे मेरा तो उत्तर गलत हो गया। तो ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चन बैंक बनाया होगा तो इन क्वेश्चन को पाया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्फिसीमा, इम्फिसीमा एक डिजीज है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से होता है, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। आपके बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है? इम्फिसीमा एक डिजीज है जो आपके बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर सबको मालूम होगा मुझे लगता है, जल्दी बताइए, फिफ्थ का आंसर बताइए, फिफ्थ लिख करके आंसर करेंगे, फिफ्थ का कौन सा होगा बताइए, दीपिका, पूजा, मिहिर, कृष्णा ने फिफ्थ का सी बोला है, दीपिका ने सी बोला है, मिहिर ने सी बोला है, सौरभ ने सी बोला है, बिल्कुल सही है। इम्फिसीमा जो है वो बहुत ज्यादा सिगरेट के सेवन से होता है, और इसमें लंग्स की जो एल्वियोलाइज होती हैं, लंग्स की जो एल्वियोलाइज होती हैं, वायु कोष्ठ जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, डैमेज होता जाता है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉडी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि लंग्स की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाइज, और इसकी वॉल डिजोल्व होने के कारण जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो लंग्स में एल्वियोलाइज का जो नंबर है वो घटता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में कम प्रवेश करता है और आदमी के लंग्स में ऑक्सीजन की क्या रहती है, कमी रहती है हमेशा। ठीक है, तो लंग्स जो है इससे प्रभावित ऑर्गेन होगा, और बहुत ज्यादा अत्यधिक सिगरेट के सेवन से क्या होती है, यह बीमारी होती है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नाउ एक्यूपंचर इज अ मेडिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच, एक्यूपंचर एक मेडिकल सिस्टम है, ट्रीटमेंट का एक तरीका है जिसमें क्या यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। हर्ब्स आर यूज टू रिलीव पेन, है ना, मतलब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं दर्द को कम करने के लिए। जेनेटिक रिप्लेसमेंट इज कैरिड आउट, जेनेटिक रिप्लेसमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं दर्द को कम करने के लिए। नीडल्स आर इंसर्टेड इनटू पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिलीव पेन, दर्द को कम करने के लिए बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स पे नीडल चुभाया जाता है। तो सही उत्तर होगा डी, एक्यूपंक्चर एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे नीडल चुभाया जाता है और ताकि दर्द से बचाया जा सके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायरसेस, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट वायरसेस के बारे में ट्रू नहीं है? अच्छा, इसको मैं नॉट ट्रू कर दे रहा हूं, नॉट ट्रू, क्योंकि मुझे जिस तरह से ऑप्शंस दिख रहे हैं वो उसी तरह से होने चाहिए। वायरसेस कंटेन ओनली आरएनए, वायरसेस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अ होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन, वायरल कंपोनेंट्स मस्ट असेंबल इनटू कंप्लीट वायरसेस टू गो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब बोल रहा है कि वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वायरसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, जल्दी बताइए, सेवेंथ का कौन ट्रू नहीं है, या चलो रहने देते हैं क्वेश्चन, अब बताइए, स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायरसेस, वायरसेस के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, अगर बोलेंगे तो ए वाला ट्रू नहीं है, क्यों, नॉट ट्रू करके अगर बोलेंगे इस क्वेश्चन को, तो वायरस में क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, वायरस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये बोल रहा है कि कंटेन ओनली आरएनए, नहीं,
वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आपको पता है मैंने कई बार पढ़ाया है कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और आप जानते हैं कि वायरस जो है बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा वायरस का। वायरस में सिर्फ प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। किसी किसी वायरस में लिपिड का एक लेयर भी हो सकता है जिसको हम इनवेलप कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेलप। तो इतनी चीजें रखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। ये जब आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, किसी होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाता है, तो अपने डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके और फिर आपके सेल के सारी चीजों को यूज करके आपको ही बीमार कर देता है। तो बाकी देखिए, ये सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है ना, लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। तो नॉट ट्रू करके इसको हम सही कर ले रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट था ये, ठीक है? तो इसमें हम आंसर कर लेंगे कौन सा? ए। ए जो है वो नॉट ट्रू है, ए ही था ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बायोप्सी इज डन ऑन, बायोप्सी जो है हम किसके लिए करते हैं? बायोप्सी में हम क्या करते हैं? डेड बॉडी से सेल या टिश्यूज लेते हैं, लिविंग बॉडी से लेते हैं, ब्लड फ्रॉम वेन्स, ब्लड फ्रॉम आर्टरीज। जल्दी बताइए। हाँ, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कई बार इसका जिक्र किया है मैंने, वायरसेस का स्ट्रक्चर भी बताया है यूट्यूब पे। तो बताइए बायोप्सी में क्या करते हैं कि लिविंग बॉडी से टिश्यूज लेते हैं। ऑटोप्सी आप जानते होंगे, जो पोस्टमार्टम बोलता है, उसमें हम डेड बॉडी से लेते हैं, लेकिन बायोप्सी कराना होता है, जैसे बीमारी में हम लोग बायोप्सी करवाते हैं, तो उसमें से लिविंग बॉडी से टिश्यूज लेते हैं। तो बायोप्सी अलग चीज होती है, ऑटोप्सी अलग चीज होती है ना? तो बी सही उत्तर है। सारे लोगों का सही उत्तर आ रहा है। मिहिर का, पूजा का, कपिल ने सही उत्तर दिया, अर्शदीप सिंह ने सही उत्तर दिया, बहुत खूब। दीपिका गोयल, पूर्णिमा हेलो कैसी हैं, सारा खान ने बी उत्तर दिया, बिल्कुल सही है। चलिए, पोस्टमार्टम बिल्कुल सही फरमाया। पीपल हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड हैव रोजी चीक्स बिकॉज, वो लोग जो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ों में जैसे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, तो उसके जो हैं गाल थोड़े मतलब गुलाबी से दिखाई देते हैं। क्यों? हायर एल्टीट्यूड पर क्या फर्क पड़ेगा हीमोग्लोबिन में? जैसे जो मतलब समतल पे रह रहे हैं और कोई पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो पहाड़ों पे क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग हमेशा ऊंचाई पे रहते हैं उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन हैज एन इंक्रीज्ड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिकम्स कंसिड अबव द एवरेज इन रिस्पॉन्स टू द लोअर्ड ऑक्सीजन प्रेशर, रेट ऑफ कैपलरी सर्कुलेशन इंक्रीज इन द स्किन। तो भी सही उत्तर होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से जो हायर एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ बढ़ जाएगी, वो तो उतनी ही रहेगी जितनी है। रेट ऑफ कैपिलरी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्किन में, उससे कोई मतलब नहीं है। सो बी सही था। चलो, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन इकोसिस्टम बाय अ नंबर ऑफ वेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन दिस फिक्सेशन वे। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रोसेस बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से होता है, जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्री के द्वारा होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि मिट्टी में जो नाइट्रेट है,
वो डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इससे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन है वो हवा में चला जा रहा है। ओके, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, और सारे लोगों का उत्तर सही। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, दो लिस्ट आपके पास है उनको मैच करिए, दो लिस्ट दिए गए हैं इनको मैच करके सही कोड को उत्तर कीजिए। थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ब्लड ग्रुप, एक्सरे, स्थेटोस्कोप। तो एक्सरे की खोज आपको पता ही होगी कि रोंजेन ने की थी, ब्लड ग्रुप कई बार पढ़ाया, लैंडेस्टिनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। थर्मोमीटर की खोज किसने की थी? तो आपको पता है गैलीलियो ने की थी, और स्थेटोस्कोप की खोज करने वाले थे, बच गए ये साहब, रीने साहब। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर क्या होगा। ऑप्शन हिंदी में भी रखिए, ठीक है काजल, नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे। तो जल्दी बताइए फटाफट इसका उत्तर, बी। तो देखो मैंने मैच नहीं किया, मैंने ऐसे आपके कहने पे कह दिया है बी, ये यहां पे मैंने मैचिंग कर दी है, वो आप समझिएगा अगर गलत है होगा तो। चलो, एक 5 न्यूटन का फोर्स है जो एक बॉडी पे लग रहा है, जिसका वेट वेट दे रखा है 9.8 न्यूटन है, और कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेट क्या होता है, एम इंटू जी। तो वेट दिया हुआ है तो मास निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास होगा ना, तो फोर्स तो दे रखा है, कितना फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, और मास निकालना पड़ेगा यहां से, वेट दे रखा है तो मास नहीं निकल सकता क्या, वेट होता है मास इंटू जी, तो मास कितना हो जाएगा, वेट अपॉन जी, वेट दे रखा है 9.8 और जी की वैल्यू भी होती है 9.8, तो मास हो गया 1 kg, तो एक्सेलरेशन हो गया एफ अपॉन एम 5/1, मतलब 5 m/s², क्या था क्वेश्चन में। तो 12th का क्या हो गया, सी। नहीं समझ में आया क्या, 12th का सी कैसे होगा? देखो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन त्वरण कितना होगा, त्वरण क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, क्योंकि एफ होता है एम इंटू ए, तो ए क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन और मास आपको निकालना है, मास निकालने के लिए वेट दे रखा है आपको, वेट क्या होता है मास इंटू जी, तो मास क्या हो जाएगा वेट अपॉन जी, वेट कितना है 9.8, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो मास हो गया 1 kg, तो 5 होगा ना। मिहिर, क्लियर लाइक स्प्राइट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। देर आर टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई बट ऑन वन इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो। दो मेटालिक स्फीयर हैं, धातु का गोला है, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन एक सॉलिड है और दूसरा हॉलो है, ठीक है। तो बताइए अगर इनको हम चार्ज किया करें तो उन पे चार्ज कैसा होगा। दे कैन बी चार्ज इक्वली, सॉलिड स्फेयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, क्या सॉलिड स्फेयर को ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है। हॉलो स्फेयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, क्या हॉलो स्फेयर पे ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है। नन ऑफ द अबव, बताइए। दो मेटल का स्फेयर है, धातु का गोला है, एक हॉलो है और एक सॉलिड है, दोनों को हम चार्ज कर रहे हैं, तो क्या दोनों पे चार्ज सेम होगा, सॉलिड पे ज्यादा चार्ज होगा, हॉलो वाले पे ज्यादा चार्ज होगा। तो देखो जब भी किसी स्फेयर पे चार्ज देते हो आप, तो वो चार्ज उसके सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, सरफेस पे आता है ना, अंदर नहीं रहता। चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे। इसको याद रखना आपको कि जब किसी मेटल स्फेयर को चार्ज आप करते हो तो चार्ज उसके सरफेस पे आता है। तो भाई हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों का रेडियस अगर सेम है तो दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा मत समझ लीजिएगा अच्छा सॉलिड है तो उस पे चार्ज अंदर अंदर भरा रहेगा, नहीं। अगर हम स्फीयर को चार्ज करते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे आता है। सो अगर दोनों का रेडियस सेम है, देखो रेडियस सेम है तो दोनों पे चार्ज होंगे वो सेम होंगे। समझ में आ गया, तो इस बात को याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ साइज ऑफ एन एटम इज ऑर्डर ऑफ, एटम का साइज किसमें मेजर करते हैं, मीटर में
तो कितने मीटर है? 10^-10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। तो साइज ऑफ एटम जो होता है, याद रखना है आपको, होता है 10^-10 मीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 फर्मी, सॉरी 1 एंगस्ट्रम। 10^-10 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रम। और साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर आप बात करते हो, नाभिक का आकार, तो वो होता है 10^-15 मीटर, मतलब 1 फर्मी भी बोलते हैं इसको, 1 फर्मी। सो एंगस्ट्रम के रेंज में आता है एटम का साइज, और फर्मी के रेंज में आता है न्यूक्लियस का साइज। सो 14th का जो उत्तर होगा वो बी होगा, और सारे लोगों ने सही सही उत्तर दिया है। कृष्णा, पूर्णिमा यादव, दीपिका गोयल, कुलदीप कुमार, वेरी गुड, क्या बात है, आज सारे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट जुड़े हुए हैं, अच्छी तैयारी है। सनत, सनत ने क्या उत्तर दिया है? अभिजीत, 10^-12 पिको हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, बिकॉज ऑडियो सिग्नल्स को हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्यों? सिग्नल्स आर रिलेटिवली शॉर्ट रेंज, क्योंकि जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं। दिस सिग्नल्स हैव मोर नॉइज, इनमें मतलब नॉइज ज्यादा होती है ना, शोर ज्यादा होता है। द ट्रांसमिटिंग एंटीना लेंथ इज वेरी स्मॉल टू डिजाइन, एंटीना का डिजाइन करना काफी लंबा, एंटीना डिजाइन करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। द ट्रांसमिटिंग एंटीना लेंथ इज वेरी लार्ज इन लार्ज एंड इन प्रैक्टिसेबल। अब बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बताइए। तो देखो, याद रखिएगा, मैंने मेंशन कर रखा है कि ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन द ऑडियो सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली। निम्नलिखित कारणों के कारण की वजह से जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उसे हम डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं शॉर्ट रेंज के होते हैं, ठीक है। और साइज ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड फॉर देयर एफिशिएंट रेडिएशन वुड बी लार्ज, लगभग 75 किलोमीटर का होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस में नहीं है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, यानी 1 और 4 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिग्नल काफी शॉर्ट रेंज के होते हैं और पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा एंटीना बनाना। आगे बढ़ते हैं। इफ देयर हैड बीन वन आई ऑफ द मैन देन, अगर हमारे पास एक आंख होती तो क्या होता? चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताना आपको कौन सा सही है। अगर हमें दो की बजाय एक ही आंख दी गई होती तो क्या होता? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन इन्वर्टेड, इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो जाता। ये तो गलत लग रहा है मुझे, नहीं, एक आंख रहती तब भी सीधा ही दिखता, और दो है तब भी सीधा दिख रहा है ना। विजिबल रीजन वुड हैव बीन डिक्रीज्ड, विजिबल रीजन जो है वो डिक्रीज हो जाता। इमेज वुड हैव नॉट बीन सीन, थ्री डायमेंशनल इमेज, 3D जो आप दिख रहे हैं वो 3D नहीं दिखता, बिल्कुल सही है। और विजिबल रीजन भी घट जाता, विजिबल रीजन हैव इंक्रीज्ड, नहीं, विजिबल रीजन इंक्रीज कैसे कर जाता? दो आई की बजाय अगर एक आई होता तो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा। सो 2 और 3 विल बी द राइट ऑप्शन, तो 16 का बी होगा, ठीक है, चलिए 16 का बी होगा, बिल्कुल। सनत, मिहिर राय, अभिषेक, पूर्णिमा यादव, सनत, दीपिका, ठीक है, चलो। अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, स्टेडी स्टेट में किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? जैसे इसको हम क्या करें, एक रॉड है, इसको हम गर्म करना चालू कर दें, तो ये गर्म होगा धीरे धीरे, पहले इसका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, इस सेगमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, अगर हम कई पार्ट में देखें तो इस टेम्परेचर का सेगमेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर पूरा रॉड हीट हो जाएगा। आप देखिएगा कि ये इस रॉड को यहाँ पे भी पकड़ने पे वो हीट करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर हीट इजिली फ्लो करेगा बिल्कुल स्टेडी स्टेट में। तो इस स्टेट में, स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी कोई रॉड को आप हीट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि रॉड स्टेडी स्टेट में आ गया है, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है डज नॉट चेंज विद टाइम बट डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इट्स सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, डिक्रीजेज विद टाइम, इंक्रीजेज विद टाइम। जल्दी बताइए,
स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ अब चेंज नहीं करेगा, बट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, ये डेफिनेशन ही होती है स्टेडी स्टेट की। तो इसको याद रख लीजिएगा कि किसी रॉड को हम हीट कर रहे हैं और वो रॉड स्टेडी स्टेट में आ गया है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अब चेंज नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। सो डी शुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड इज केप्ट इनसाइड अ बिग क्लोज्ड जार। एक बीकर है जिसको एक क्लोज्ड जार में हमने रखा है, ये जार है, इसमें एक बीकर है और इसमें पानी है, पानी रेस्ट में है। अब हमने क्या किया कि इफ द एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूअसली पम्प्ड आउट, हमने क्या किया, एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसमें पानी है, इस बीकर में पानी रखा हुआ है और ये जो बीकर है एक जार में रखा हुआ है, हमने एयर को कंटिन्यूअसली निकालना शुरू कर दिया बाहर, तो बताइए कि प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल बी, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो लिक्विड, किसी वेसल में कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसका प्रेशर क्या होता है, पी इज इक्वल टू एच रो जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, एच रो जी, और टोटल प्रेशर अगर बोले तो टोटल प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच रो जी, जहां पे पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो होगा पीटी जो होगा वो पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एच रो जी क्या है, लिक्विड का प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर हुआ, आपने यहां से एयर निकालना शुरू किया तो ये जो पी नॉट है वो घटना शुरू हो जाएगा, प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा, एयर निकाल दिया तो ये पी नॉट घटना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से डिक्रीज करेगा। सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था, सबको पता होगा, सारे लोगों ने सही उत्तर भी दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। आपके एग्जाम में ज्यादातर इनकरेक्ट वाला ही पता नहीं क्यों पूछता है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देता है, तो ये तो सही हो गया। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर नियरली द सेम, यही तो गलत है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कैसे सेम हो सकता है, प्रोटॉन का मास अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है ना। सो गलत पूछ रहा था तो गलत यही हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, सी शुड बी द राइट ऑप्शन। सारे लोगों का उत्तर सही आ गया, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूरेनियम-238 है, एटॉमिक नंबर 92, 238, इससे आपने क्या निकाला है, 8 अल्फा निकाल लिया है और 1 बीटा निकाल लिया है, तो जो अगला बनेगा, जो एलिमेंट बनेगा उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो पूछ रहा है। तो 8 अल्फा निकालने पर एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, मास नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले यूरेनियम है 92 और 239, ठीक है, इससे हमने क्या किया, 8 अल्फा निकाल लिया, तो 1 अल्फा निकालने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 1 अल्फा निकालने से क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। तो देखो आपने कितना निकाल लिया है, 8 अल्फा निकाल लिया है, तो एटॉमिक मास में कितना कमी आ जाएगा बताइए, एटॉमिक मास में कितनी कमी आ जाएगी, 32 की कमी आ जाएगी, और इसमें कितना कमी आ जाएगी, 16 की कमी आ जाएगी, तो माइनस कीजिए। तो किसी भी एटम से, जैसे मान लिया कि कोई एटम है, एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, उससे 1 अल्फा निकालोगे, 1 अल्फा निकालोगे तो क्या होगा,
कि उसके एटॉमिक नंबर में ये वाई बन जाएगा, एटॉमिक नंबर में दो की कमी आएगी, मास नंबर में चार की कमी आएगी। और किसी एटम से अगर आप एक बीटा निकाल देते हो तो ये जो बनेगा एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब निकाल लो आप। तो पहले आठ मतलब आठ अल्फा निकाल लो और फिर छह बीटा निकाल लो, जो बनेगा उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो निकाल लो, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा डी आ रहा है क्या, देख लीजिएगा करके डी अगर आ रहा है तो। ठीक है, स्किप क्यों करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन को क्यों स्किप करेंगे। बस ये फंडा याद रखिए ना कि एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में दो और मास नंबर में चार की कमी, जब एक बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पहले देख लो कि आठ अल्फा निकलेगा और छह बीटा निकलेगा तो क्या बना, मान लिया वो बना क्या, कुछ भी मान लिया बना हो। अब उसमें जो बनेगा उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो प्रोटॉन दे देगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन दे देगा, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे तो न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा, और न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन करना है आपको बस। ठीक है, चलिए तो डी इसका सही उत्तर होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ विच हैज द लीस्ट बॉन्ड एंगल, इसको तो याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, लीस्ट बॉन्ड एंगल। मैथ तो आता ही होगा, उतना मुझे सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो याद रखिएगा कि बी का होगा, ये सबका बॉन्ड एंगल दिया हुआ है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो इसमें कुछ का याद रख लीजिएगा बॉन्ड एंगल। तो लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो यहाँ पे है आपका वाटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में हाइएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। नियॉन से नियॉन प्लस बन रहा है, ब्रोमीन से ब्रोमीन माइनस बन रहा है, लिथियम से लिथियम प्लस बन रहा है, आयोडीन से आयोडीन माइनस बन रहा है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब है कैसे हैं, तो सही उत्तर होगा ए। कैसे बता दिया सही उत्तर ए होगा, आप भी इसको गेस कर सकते थे कि यहाँ पे जो गैसियस है, गैसियस फॉर्म में है कौन, ये। तो गैसियस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये इनर्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, काफी मुश्किल होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नियन का, इनर्ट है ये तो देख के बता सकते थे। आपको लग रहा होगा अच्छा ये तो बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कुछ क्रिस्टल है जिसपे प्रेशर अप्लाई करने पे इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं। ये तो डेफिनेशन ही हो गई, बताइए कि सर्टेन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट को क्या बोलेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डी याद कर लीजिएगा, ये मतलब डेफिनेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हेवी वाटर इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर एज, ये तो कई बार पढ़ाया है मैंने, न्यूक्लियर रिएक्टर कई बार पढ़ाया है, यूट्यूब पे आप देखिएगा जाकर के, मैंने कई बार पढ़ाया है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हेवी वाटर, भारी जल। भारी जल का इस्तेमाल किसमें करते हैं, बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट, नीदर मॉडरेटर नॉर कूलेंट, मॉडरेटर कूलेंट, जल्दी बताइए, जिन लोगों ने सेशन देखा है उसको पता चल जाएगा। सो आप इसका इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में भी करते हैं और किसी किसी में कूलेंट के रूप में भी करते हैं, तो याद रखिएगा कि हेवी वाटर का इस्तेमाल आप मॉडरेटर के रूप में भी कर सकते हैं
और कूलेंट के रूप में भी कर सकते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, पर कभी कभी इसका इस्तेमाल कूलेंट के रूप में भी कर देते हैं। ठीक है, सो अगर ऑप्शन में मॉडरेटर और कूलेंट अलग अलग है तो डेफिनेटली आपका उत्तर होगा मॉडरेटर, लेकिन बोथ अगर पूछ रहा है मॉडरेटर एंड कूलेंट तो सी सही उत्तर होगा। इसको जरूर याद रखिएगा गाइस। ठीक है, जैसे मान लिया कि मैं दूसरा और कुछ ऑप्शन दे देता, मैं दे देता कंट्रोल रॉड के रूप में यूज किया जाता है ना, कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाता मॉडरेटर। लेकिन मॉडरेटर और कूलेंट दोनों है तो सही उत्तर हो जाएगा बोथ। ये अच्छा क्वेश्चन है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सोडा ऐश इज, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। कास्टिक सोडा इज हाइग्रोस्कोपिक एंड सोल्यूबल इन वॉटर। कास्टिक सोडा मतलब NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। अब बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मॉडरेटर ही सुना होगा अब तक, लेकिन मॉडरेटर और कूलेंट दोनों ही ऑप्शन में, जनरली वही रहेगा आपका ऑप्शन में कि मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, कंट्रोल रॉड के रूप में यूज किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो मॉडरेटर होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में तो हम दोनों को टिक करेंगे। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके सामने है, ए सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये सही है। सोडा ऐश जो होता है वो होता है, सोडा ऐश इज Na2CO3, वाइल Na2CO3 इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, कई बार पढ़ाया मैंने। तो देखो NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। Na2CO3 10H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। NaHCO3 को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। कई बार मैंने बताया है इन चीजों को, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो दो वाला तो गलत हो गया। कास्टिक सोडा बिल्कुल हाइग्रोस्कोपिक होता है और हाईली सोलेबल होता है वाटर में। सो ए जो था वो सही उत्तर था, पहला और थ्री। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। कास्टिक सोडा NaOH ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है और वाटर में काफी सोल्युबल होता है, तभी तो आप इसे कहते हैं कि ये एल्कली है। वाटर सोल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली, मतलब ये वाटर में सोल्युबल है। तो फर्स्ट और थ्री सही था, अच्छा क्वेश्चन था। अजीब लग रहा है क्वेश्चन, क्यों इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप कॉन्सेप्चुअल है ना। दो दो लिस्ट है, उसको मैच करके सही उत्तर दीजिए आप लोग। लिस्ट में कंपाउंड है और दूसरे में उसका यूज है, लाइमस्टोन, सॉरल सीमेंट, सॉलिड CO2, फेरस सल्फेट। तो चलो आपको मान लिया कुछ भी नहीं मालूम है, सॉलिड CO2 तो पता ही होगा सबको। सॉलिड CO2 का इस्तेमाल किसमें करते हैं, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई आइस। नाम याद आया, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में, मतलब प्रशीतक के रूप में, चीजों को अत्यधिक ठंडा करने के लिए। दूसरा इसका इस्तेमाल मैंने बताया था कि क्लाउड सीडिंग में भी करते हैं। क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा करने के लिए भी करते हैं। आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड प्लस ड्राई आइस का मिक्सचर स्प्रे किया जाता है। तो सी का चार क्या देख सकते हैं कि सी के चार में दो में है, तो आपको एक और सही उत्तर करना पड़ेगा। सी का चार दो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। अब बताइए डी का देख लीजिए, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डेंटल फिलिंग में करते हैं। सारे लोग सी कह रहे हैं, क्या बात है। तो जो सही उत्तर होगा बिल्कुल सी होगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, यहाँ पे हमने सबको लिख दिया है।
तो सही उत्तर आपका ए नहीं क्या होगा, सी होगा। ये तो आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसेंशियल फोर प्लस फाइव एच टू ओ इज कॉल्ड बटर ऑफ टिन। एसेंशियल फोर फाइव एच टू ओ को हम बटर ऑफ टिन कहते हैं। टेट्रा इथाइल लेड इज यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलिन। गैसोलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, टेल का इस्तेमाल करते थे। यूवी रेस कैन बी चेक्ड बाई पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास से हम लोग यूवी रेस को चेक कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 27 का कुछ लोग सी कह रहे हैं, पहला और तीसरा। बिल्कुल सही नहीं है उत्तर आपका, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। डी बोले तो ओनली थ्री ही सही उत्तर है, ठीक है। पायरेक्स ग्लास से हम यूवी रेज को चेक करते हैं। टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हम पीरियड कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप कहते हैं, सबको पता होगा। कितने पीरियड होते हैं, तो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। सो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या। इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम, इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल ग्रुप। बिल्कुल यही तो सही लग रहा है। हॉरिजॉन्टल रोज 7 होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ये बोल रहा है 18 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, 7 वर्टिकल कॉलम नहीं, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, तो ये गलत हो गया। इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप, नहीं पीरियड कहलाता है वो, तो 18 वर्टिकल कॉलम है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, तो सी सही होगा। ठीक है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। जो बेकिंग पाउडर होता है, देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। लेकिन जो आप बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर में एक तो होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एसेटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो आसान क्वेश्चन है। जल्दी बताइए कोई क्वेश्चन गलत हो गया क्या, कौन सा क्वेश्चन नॉट पूछ रहा था क्या। अच्छा अभी उस पर वापस चलते हैं। हाँ ये अक्सर नॉट में और गलत हो जाता है, तो कभी कभी गलती से कोई दूसरा तो हिंदी में भी समझाएं। मिस्टी ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में एक चीज तो होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, दूसरा उसमें क्या होता है, ये किसका मिक्सचर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है क्या, बेकिंग पाउडर को हम घर में यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हो नहीं सकता। एसेटिक एसिड विनेगर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ही खतरनाक है, तो बचा टार्टारिक एसिड। तो NaHCO3 और टार्टारिक एसिड का जो मिक्सचर है ये कहलाता है बेकिंग पाउडर। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड का मिश्रण होता है, टार्टारिक एसिड का मिश्रण होता है, तो सही उत्तर आपका होने वाला है बी, ठीक है। सो बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टारिक एसिड, यहां पे लिख रखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो चीजें कंबाइन करती हैं और एक नया कोई केमिकल बनता है। तो देखो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हीट कर रहे हैं तो टूट करके ये चीज बन रही है, तो ये तो गलत हो गया। हाँ ये सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो सही है। ये वाला देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। जिंक आयरन से रिएक्शन करेगा तो जिंक आयरन से रिएक्टिव है तो हटाकर इसको अपनी जगह बैठा देगा, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब बताओ कि कौन कौन सा है, तो टू और थ्री कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। वन है डिकम्पोजिशन, ये टूट रहा है कि KCl3 को हीट करेंगे तो KCl और ऑक्सीजन मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर एल्युमिनियम बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन चौथा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है चलिए, तो सही उत्तर क्या था आपका, डी। ठीक है, ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो अभी चल रहे हैं या अपकमिंग बैचेस हैं, जैसे 150 डेज का फाउंडेशन कोर्स जिसकी फी है 3999, एक साल की वैलिडिटी के साथ 300 प्लस लाइव क्लासेस एंड 500 प्लस लाइव आवर्स के साथ आपको मिलेगी। 150 प्लस पीडीएफ एंड 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे विद 10 प्लस मॉक टेस्ट, और ये हमारे फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इन कोर्स को डिलीवर करेंगे। काशिफ अंसारी सर पॉलिटी के लिए, डॉक्टर रमेश सिसोदिया सर इंग्लिश, डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जुबैर हसानी यानी मैं साइंस और टेक के लिए रहूंगा, चंदन रोशन सर इको के लिए रहेंगे, और मैथ्स के लिए होंगे हमारे साथ ताहिर खान सर। एस्पायर ओटीए 2021 बैच नंबर 3 बिल्कुल सेम वैलिडिटी के साथ आपके सामने लॉन्च किया गया है, और ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस कोर्स को डिलीवर करेंगे, और फीचर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सपीडिशन CAPF 21 पेपर 1 एंड 2 बैच नंबर 3 लॉन्च हो रहा है 3999 में, एक साल की वैलिडिटी के साथ। ये हैं फीचर्स, और ये रहे हमारे एक्सपर्ट्स जो इस कोर्स को डिलीवर करेंगे, जो हमेशा आपके साथ रूबरू होते रहते हैं। CDS CAPF 21 पेपर 1 एंड 2 बैच नंबर 3 ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है 4999 में, एक साल की वैलिडिटी के साथ, 350 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस लाइव आवर्स, 250 प्लस पीडीएफ एंड 6000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक्सपर्ट हमारे आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं जो इन कोर्स को डिलीवर करेंगे। तो हमें आप इन साधनों पे फॉलो कर सकते हैं, और बने रहिए ऑनलाइन बेंचर्स के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। मिलते हैं कल ठीक 2 बजे कुछ और प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। इजाजत दीजिए मुझे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। जैन थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।